प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भूमाफियाओं के द्वारा किया गया सरकारी चकमार्ग पर कब्जा, एसडीएम के आदेश को भी ठेगा दिखा रहे हैं राजस्व व पुलिस महकमे के लोग। वाराणसी में राजा तालाब आज संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर एक प्रार्थना पत्र कमलेश सिंह पुत्र स्वर्गीय राम मनोहर सिंह निवासी नवादा थाना कपसेठी के द्वारा दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी चकमार्ग आरजी नंबर 668 रकबा 0.0113 जो कि सरकारी अभिलेख में चकमार्ग है, उसी चकमार्ग में सरकारी नलकूप प्राइमरी पाठशाला और कई गांव सभाओं को जोड़ने वाला यह सरकारी रास्ता है। इस मार्ग पर गांव के ही दबंग संतोष सिंह पुत्र संकट मोचन सिंह के द्वारा कब्जा कर लिया गया है और पूरे चक मार्ग पर वृक्षारोपण कर उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इसकी सूचना प्रार्थी ने 10/11/2020 को उप जिलाधिकारी राजा तालाब को कार्यवाही हेतु दी, लेकिन उस प्रार्थना पत्र पर उचित कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थी ने दोबारा उप जिलाधिकारी राजा तालाब को दिनांक 12/11/2020 को फिर प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थी ने दर्जनों बार प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन किसी भी प्रार्थना पत्र पर राजस्व व पुलिस विभाग के द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। फिर प्रार्थी ने तहसील दिवस पर दिनांक 26/11/2021 को उप जिलाधिकारी को राजा तालाब को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उप जिलाधिकारी ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर राजस्व टीम का गठन किया और आदेश दिया कि सेठी पुलिस महिला पुलिस बल के साथ मौके पर किए गए अतिक्रमण और कब्जे पर से संतोष सिंह का कब्जा हटाया जाए, लेकिन आदेश के बावजूद भी आज तक सरकारी मार्ग से पर से कब्जा नहीं हटाया गया। आज मैं फिर संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर प्रार्थना पत्र तहसील पर देने आया हूं। अगर इस पर भी कार्यवाही नहीं की गई तो मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों लोगों को प्रार्थना पत्र दूंगा। मुझे पता है कि एसडीएम साहब भूमाफियाओं के संरक्षण में काम कर रहे हैं और ये काम सरकारी होने के बाद भी आज तक सरकारी कर्मचारियों के द्वारा इस काम को नहीं किया जा रहा है और सिर्फ हीला हवाली की जा रही है और भी भूमाफियाओं का कब्जा सरकारी चकमार्ग पर से हटाया नहीं जा रहा है। कमलेश सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? नवादा। क्या प्रकरण है जो आप आज तहसील दिवस पे आए हुए हैं? ये रोड का मामला है। कहाँ पे? नवादा गांव में। क्या हुआ था? ये रोड जो है ये गांव से गांव को जोड़ रहा है। इस रोड पर जो है सरकारी ट्यूबवेल गाछी नलकूप है, आगे डी बाबा का मंदिर है, उसके आगे प्राइमरी पाठशाला है। ये 20 कड़ी का चकरोड जो है, एक क्या मामला है चक्रोड का? इस पर कब्जा है। किसका कब्जा है? दबंगों का, भूमाफियाओं का। वो कौन लोग हैं? संतोष सिंह और उनका भाई है। क्या कह रहे हैं संतोष सिंह? कब्जा नहीं हटा रहे हैं। इसके पहले आपने दरखास्त तहसील पे दिया? 10/11/2020 से हम सरकारी काम के लिए दौड़ रहे हैं। सारा आदेश हो चुका है, पीडब्ल्यूडी से लेकर एसडीएम से लेकर कार्यालय से लेकर तहसीलदार से लेकर सबका हो चुका है, लेखपाल से लेकर। वो लिख के जो है दे दिए हैं कि चकमार्ग ये 20 कड़ी का है। ये लोग जो है RTI में दिए थे, उसका भी रिपोर्ट आ गया, उसमें भी 20 कड़ी आई। आज SDM महोदय जी के आए हैं, मुलाकात हुई है आपसे? हाँ, 10 बार। क्या उन्होंने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? सारा आदेश हमारे पास है। उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया? उसको देखेंगे, उसको देखेंगे, यही बार बार हो रहा है। आदेश होने के बावजूद कमेटी बनी है कब्जा हटवाने के लिए। अगर आज यहाँ आने के बाद अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आप कहाँ जाएंगे? सोचेंगे, ऊपर चलेंगे जो है, CM के यहाँ जाएंगे, PM के यहाँ जाएंगे, और क्या करेंगे।